इधर सूबे में बदली राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता पक्ष अलर्ट है। कल मुख्यमंत्री से ईडी पूछताछ करेगा। मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय बुलाया गया है। सत्ता पक्ष ने अपने विधायकों को राजधानी या उसके आसपास ही रहने को कहा है। विधायकों से कहा गया है कि वो राज्य से बाहर न जाएं और सूचना पर फौरन राजधानी पहुंचे। इधर कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडेय, अनूप सिंह समेत कई विधायकों और नेताओं को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जाना था। कांग्रेस नेताओं ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया है। इसे लेकर आज दिन भर सत्ताधारी दलों की मीटिंग चलेगी। सबसे पहले सीएम आवास में जेएमएम विधायक दल की बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी के विधायक सांसद जुटे हैं। शाम में मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। वहीं देर शाम सीएम आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है। उधर बुधवार को सीएम आवास में जेएमएम विधायक दल की आपात बैठक बुलाई गई। हालांकि विधायकों की संख्या कम होने के कारण ये बैठक नहीं हो सकी। इस बैठक में मंत्री जगन्नाथ महतो, चंपाई सोरेन और जोबा मांझी पहुंचे थे, साथ ही कई विधायक भी पहुंचे थे। ये बैठक सीएम को ईडी के समन और राज्यपाल के रुख को लेकर बुलाई गई थी। और हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए ईडी ने कल दफ्तर बुलाया है मुख्यमंत्री को, और उससे पहले देखिए सत्ता पक्ष अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। दिन भर आज बैठकों का दौर चलने वाला है, एक रणनीति तैयार की जा रही है। पहले से ही देखिए ईडी को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं, केंद्रीय जांच एजेंसी को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवाल उठता रहा, लेकिन अब इस मसले को लेकर सत्ता पक्ष काफी गंभीर और उसी को लेकर ये बैठकों का दौर। बिल्कुल, देखिए आज बैठकों का दौर है। अभी जेएमएम विधायक दल की बैठक कॉल की गई है आरती, और कई चेहरे जो हैं उस बैठक में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। मसलन मंत्री हफीजुल हसन आ चुके हैं, मंत्री जुबा मांझी आ चुकी है, मंत्री मिथिलेश ठाकुर आ चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक जो हैं, नलिन सोरेन है, समीर मोहंती हों या फिर सविता महतो हों या फिर सुदिव्य सोनू है, तो ऐसे तमाम चेहरे जो है वो बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी भी विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है, और यहाँ जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद शाम 4 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी कॉल की गई है, और इसके बाद शाम 7 बजे यूपीए विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में होगी। तो यानी बैठकों का दौर जारी है, और जिस तरीके से लगातार चीज़ें हो रही हैं, अगर आप देखें एक साथ कई सारी चीज़ें हुई हैं अभी हाल के एक दो दिनों के अंदर में। आरती, राष्ट्रपति का अचानक से कार्यक्रम चेंज होना, उसके बाद आपने देखा होगा कि कल जब मोराबादी में मुख्य कार्यक्रम था उस मंच पर राज्यपाल का ना पहुंचना, इस बीच मुख्यमंत्री ने ईडी से ये कहा था कि आप 17 के बजाय 16 को मुझे आने के लिए कहें, तो ईडी ने वो भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको 17 को ही आना है। तो कई सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो उसी की एक आप कह सकते हैं कि उसका काट क्या हो सकता है, उसको लेकर यह बैठक कॉल की गई है। कल भी बैठक हुई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक पहुंचे थे, लेकिन संख्या कम थी तो प्रॉपर वे में बैठक नहीं हो पाई, और एक बार आज फिर बैठक कॉल की गई है। तो स्ट्रैटेजी तैयार की जाएगी कि क्या रणनीति होगी पार्टी की, पार्टी किस तरीके से ईडी दफ्तर मुख्यमंत्री जाएंगे, क्या कार्यकर्ता भी साथ में जाएंगे। जो जानकारी मिल रही है आरती की, तमाम जिलों से कार्यकर्ता भी पहुंचने की बात उनकी भी कही जा रही है। आज से लेकर कल तक तमाम जिलों से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में रांची में वो मौजूद रहेंगे, और मुख्यमंत्री अगर कल ईडी कार्यालय जाते हैं, हालांकि सूचना यही आ रही है आरती कि मुख्यमंत्री कल ईडी दफ्तर जाएंगे, तो कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे, पूरा हुजूम के साथ जाएंगे, तो उसकी तैयारी की जा रही है और उसको लेकर यह बैठक कॉल की गई है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विषय आ रहा है कि अगर परिस्थितियां इस तरीके से बनती है, अगर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है, अगर वैसी नौबत आती है, तो फिर विधायक दल का नेता कौन होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा, तो उस पर भी आज की इस बैठक में मंथन होगा, उस पर भी नाम जो है वो पार्टी की तरफ से रखे जाएंगे, चर्चाएं होंगी। हालांकि अंतिम निर्णय क्या आता है इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन उस पर भी बातचीत होनी है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां आती है, अगर इस तरह के सरकमस्टांसेस आते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की नौबत आए, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी भी फैसला जो है वो नहीं आ पाया है, सस्पेंस उधर को लेकर अभी भी बरकरार है, तो अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो उसमें फिर सीएम का चेहरा क्या कौन हो सकता है, तो उस पर भी आज की बैठक में चर्चा होगी, विधायकों से राय लिया जाएगा। तो यही वजह है कि विधायकों को बुलाया गया है, तमाम लोगों के बीच में
मंत्री जो है लेकिन वो लेकिन, लेकिन राकेश सवाल तो अब ये भी उठता है कि आप देखिए जिस दिन से बात तो ये शुरू हुई ईडी की तरफ से ये संबंधी आ गया कि मुख्यमंत्री को हाजिर होना है ईडी दफ्तर में, उसके बाद से ही जेएमएम कार्यकर्ता आप देखिए पूरे राज्य भर से झारखंड पहुंचने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि कल बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर जुटेंगे अगर मुख्यमंत्री, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, अगर वो पैदल निकलते हैं ईडी दफ्तर के लिए कार्यकर्ताओं के साथ, अगर हुजूम भी उनके साथ चलता है तो ये एक अलग विषय होगा, प्रशासन के लिए भी चैलेंजिंग होगा कि दोनों चीजें संभालनी है, कार्यकर्ताओं की भीड़ भी है, मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर भी पहुंचेंगे, ऐसे में ये दोहरा चैलेंज प्रशासन के लिए भी होने वाला है। बिल्कुल, देखिए चैलेंज है और यही वजह है कि ईडी ने भी अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। इससे पहले भी जब पहली बार मुख्यमंत्री को संबन भेजा गया था तो इस समय भी ईडी ने ईडी दफ्तर की सुरक्षा को लेकर मांग की थी और इस बार भी ईडी दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं अंदेशा है कि जब कार्यकर्ताओं का हुजूम होगा, जब हजारों की तादाद में जिले से कार्यकर्ता निकलकर राजधानी पहुंचेंगे तो उस भीड़ को संभालना कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के लिए भी होगा और ईडी दफ्तर के बाहर जो तैनात पुलिसकर्मी होंगे उनके लिए भी होगा। तो उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बात कही जा रही है। और जहां तक बात कार्यकर्ताओं की आने की है तो देखिए कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, कई जिलों से कार्यकर्ता जो है वो पहुंचने लगे हैं और देर शाम तक उम्मीद करनी चाहिए आरती की तमाम जिलों से कार्यकर्ता जो है वो पहुंच जाएंगे। पहले ये बात हुई थी कि 16 तारीख को, चूंकि मुख्यमंत्री ने ईडी से कहा था कि 16 को ही उनको बुला लिया जाए, तो इस वजह से पहले ये बात निकल कर आई थी कि जो कार्यकर्ता होंगे वो 16 को ही पहुंच जाएंगे, यानी 15 की शाम को ही पहुंचने की बात थी, लेकिन ईडी की तरफ से ये कहा गया कि नहीं आपको 17 को ही आना है। तो अब जो कार्यकर्ता आ रहे हैं वो आज देर शाम तक तमाम जिलों से कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे। जो रणनीति बननी है ये बताया जा रहा है कि जिन जिलों से जो कार्यकर्ता आएंगे उससे संबंधित जो विधायक है वो अपने कार्यकर्ताओं को लीड करेंगे, उनके रहने का, उनके खाने का और वो किस तरीके से इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, कैसे उनको लीड किया जाएगा, तो ये पूरी जिम्मेवारी जो है वो उस जिले से संबंधित जो विधायक है उनके उनको दी जाएगी। तो उस पर भी आज की जो बैठक अभी थोड़ी देर के बाद जो शुरू होगी आरती, तो उस पर भी चर्चा होनी है, उस पर भी रणनीति तैयार करनी है आरती। चलिए, तो अभी ये तमाम तैयारियां पार्टी जो अगर हम कहें सत्ता पक्ष की अपनी अलग तैयारी चल रही है और प्रशासन अपनी अलग तैयारियों में लगा है। कल का दिन देखना होगा कि जब मुख्यमंत्री अगर ईडी कार्यालय पहुंचते हैं तो फिर क्या कुछ आज की रणनीति काम आती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राकेश, आपका नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे आपसे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।